स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे ये चिवड़ा बनाना सिखाने जा रही हूँ। ये नमकीन है जो कि हम बाज़ार से भी बहुत मज़े से ख़रीद के लाते हैं और बहुत मज़े से खाते हैं, बच्चा हो या बड़ा, सबको ये बहुत पसंद आती है। देखिए कितनी कुरकुरी, कितनी करारी ये बनी है। तो देर क्या है, चलिए फटाफट शुरू करेंगे इसको बनाना और बनाएंगे खूब ढेर सारी, ताकि हम इसको बहुत सारा इंजॉय कर सकें। तो इसके लिए एक मैंने लिए बड़ी सी कढ़ाई, क्योंकि मैं बहुत ढेर सारा बनाने वाली हूँ। इसमें अब हम इसको पहले तो तेल को गर्म करेंगे अच्छे से, और जब ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक कप या फिर उससे ज़्यादा, जितनी आपको चाहिए उतनी आप मूँगफली, सब कुछ इस नमकीन में आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, आप चाहे तो कम कर सकते हैं चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, यही तो खासियत होती है घर में सामान बनाने की। तो चलिए मैंने यहाँ पे करीब एक कप से ज़रा ज़्यादा ना ले ली है मूँगफली, और इसको हम अच्छे से यहाँ पे तल लेंगे। इधर मैं तब तक है थोड़ी सी चीनी को मिक्सी में पीस करके तैयार कर रही हूँ। ये पिसी हुई चीनी तैयार है, यदि आपके यहाँ बूरा मिलता है तो आप बूरा चीनी भी ले सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरीके से चीनी को पीस करके तैयार कर लीजिए। इधर ये मूँगफली देखिए तल चुकी है, इनको अलग निकाल लेते हैं। अब बारी है इन कॉर्नफ्लेक्स की, ये तलने वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं, और ये है चूड़ा, पतला वाला पोहा जिसको बोलते हैं, ये वो है। और ये थोड़ा सा ऑयल सामान इकट्ठा किया है। अब ये यहाँ पे नारियल के टुकड़ों को ये देखिए इस तरीके से काट करके इसको तेल में अच्छे से तल लीजिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं ये नारियल के टुकड़े भी नमकीन के अंदर, तो आप इसको ज़रूर डालिए और एक बार खा के भी मुझे भी बताइए कि आपको कैसे लगे। ये सब काम एक बार आप शाम में एक दिन पहले करके रख दीजिए और दूसरे दिन इनको बस फटाफट अरेंज करते जाइए, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये नारियल के टुकड़े, सूखे हुए नारियल के टुकड़े थे जिनको कि फ्राई कर लिया है। अब हम साथ में इसमें ऐड करेंगे ये करी पत्ता, देखिए 15 से 20 करी पत्ते ले लिए हैं, इनको भी पहले से ही फ्राई कर लेंगे उसी गरम तेल में, और इसको भी हम निकाल करके अलग कर लेंगे जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए कितना धुआं धुआं हो रहा है। चलिए ये हमारे करी पत्ते भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकालते हैं। फ्राइड करी पत्तों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, एक बार आप जरूर डाल करके देखिए तब पता चलेगा। चलिए इनको निकाल करके अलग कर लेते हैं हम। इस तरीके से झरने पे निकालेंगे तो इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो यहीं पे निकल जाएगा और खाली पत्ते अलग हो जाएंगे। अब हम गैस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और उसमें तलेंगे ये कॉर्नफ्लेक्स। पहले तेल चेक कर लेते हैं, तो चलिए अब कॉर्नफ्लेक्स को भी जल्दी जल्दी तल करके तैयार कर लेते हैं। गैस का बहुत खास ध्यान रखना है इसमें, ताकि हमारे जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो
पूरी तरीके से तल करके आएँ। अगर आप दुकान में जाके कहेंगे कि हमें तलने वाले कॉर्नफ्लेक्स दें तो वो आपको तलने वाले अलग से देंगे। दूध में भिगोने के खाने वाले अलग होते हैं कॉर्नफ्लेक्स। अब ये यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्ची काट ली है यहाँ पे। फिर अब तेल को कम कर दिया है काफ़ी, थोड़ा सा तेल लेकर के इसमें वो अदरक मिर्ची हम फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे। अब जब अदरक मिर्ची फ्राई हो चुका है तब हम इसमें ये डालेंगे सौंफ। मोटी वाली सौंफ ली है, ये हरी वाली जो थोड़ी मीठी होती है स्वाद में, उसको ही डाला है हमने यहाँ पे। अब ये भी अच्छे से फ्राई हो गई है हमारी। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर करीब 3 से 4 चम्मच, या फिर स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हरी मिर्ची अभी डाली है इसमें। हल्दी पाउडर, अब इन सब चीजों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे पहले, यहाँ पे अच्छे से पकाएंगे। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम इसको ये जो छौंक है ये निकाल करके रख रहे हैं, क्योंकि हम 2 बैचेस में बनाने वाले हैं अपनी नमकीन, तो आधी अभी डालेंगे और आधी बाद में। तो ये निकाल लेते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ पे ये डालेंगे हम इसमें पतला वाला पोहा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम 2 बैचेस में बनाने वाले हैं, इसलिए आधा बचा लिया हमने। और इनको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे 2-2 झरने की सहायता से, या फिर कोई भी आप चलाने वाला बर्तन ले सकते हैं, पर ताकि ये गिरे नहीं इसलिए इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें गैस पर से उतारने के बाद में जितनी भी चीज़ें हमने तली हुई, सॉरी गैस से नहीं उतारा हमने, जितनी भी हमने चीज़ें तल करके रखी थी वो सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। मूंगफली दाना, नारियल, अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को यहाँ पे बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। अगर बंद कर देंगे तो हमारा पोहा और वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी उसमें, इसीलिए हम गैस को ऑन रहने देंगे और उसी पे ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे, ताकि हमारे जो पोहा है वो भी साथ साथ में क्रिस्पी होता जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये नमक के साथ में थोड़ी किशमिश भी मिला करके तब इसमें ऐड कर रहे हैं। किशमिश से जो होता है ये नमकीन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए नमक के साथ में किशमिश भी मिला करके डाली है। किशमिश आप यहाँ पे ले सकते हैं 2 बड़े चम्मच करीब। बार बार हम इसको बीच में मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा पोहा भी क्रिस्पी होता जाए और जले भी।
और ये है पिसी हुई चीनी, ये भी घुमाते हुए इसमें ऐड कर दिए एंड में। और फिर से इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से एकदम मिक्स करना है, कहीं से कुछ भी इसमें अनमिक्स्ड नहीं रहना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है इसमें। और अब बारी आ गई है हमारे तले हुए कॉर्नफ्लेक्स की, चलिए वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये तले हुए कॉर्नफ्लेक्स, इनकी नमकीन का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर किया हुआ है, आप उसके साथ भी चाहे तो, वो तो खाली दो इन्ग्रीडियंट की थी, यहाँ पर तो बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं हमने, इनको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए आपकी स्वादिष्ट चिवड़ा की नमकीन घर में बन करके बिल्कुल तैयार है। बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग मिलकर के इसको साथ में बहुत इंजॉय करेंगे, चाय के साथ दोपहर में आप इसको खाइए। कितनी करारी बनी है ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनी है। तो जब चाहे तब बनाइए, खाइए, मज़े लीजिए। धन्यवाद। आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए।